एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टेली प्राइम 2.0 रिलीज का पहला अपडेशन, जो कि है आपका कि आप टेली में अपनी रिपोर्ट्स को अपने अनुसार कस्टमाइज करके कैसे सेव कर सकते हैं और बाद में जब चाहें उसको व्यू कर सकते हैं। अगर आपने टेली प्राइम का मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने सारे अपडेशन बताए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, वहां से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज की वीडियो में कैसे हम अपनी कस्टमाइज रिपोर्ट सेव करेंगे और बाद में उसको जब चाहें कैसे व्यू करेंगे रिपोर्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ आपको बैलेंस शीट ओपन करके बताती हूँ। बैलेंस शीट ओपन किया, यहाँ पे आप देखेंगे जो बैलेंस शीट है वो मैंने यहाँ पे एक कॉलम तैयार किया है 30 नवंबर का और एक कॉलम है आपका 1 अगस्त का। तो यहाँ पे ये कस्टमाइज की हुई है। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं ऑल्ट सी प्रेस करके, और ये मैंने एक पीरियड और सेट कर लिया जो कि है आपका 1 महीने का। तो इस तरीके से हमने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे आप देखेंगे अब 3 कॉलम रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करना चाहते हैं हम, बाद में वापस से अगर आपको देखना है तो ये रिपोर्ट ऐसी ही डिस्प्ले होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एल प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप बैलेंस शीट जो नाम देख रहे हैं वो आपकी रिपोर्ट का नाम है। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, बाई डिफॉल्ट आपको टैली ये देता है। इसके बाद हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेट दिस एज डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट। मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये व्यू बाई डिफॉल्ट सेट हो जाए जब भी आप बैलेंस शीट ओपन करें तो आपके सामने ऐसा ही व्यू आए जो आपने सेट किया हुआ है, तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो करेंगे। शो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपने एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने हैं तो इसको आप यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने अदर जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाते हैं। सेव व्यू फॉर ऑल कंपनीज, अगर आप चाहते हैं कि आपने बाकी जो कंपनी है आपके टैली में उनमें भी आपके बैलेंस शीट का जो व्यू है वो इसी तरीके से आए, तो आप ऑल कंपनी सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं इसी कंपनी के लिए जो आपने सेलेक्ट की हुई है उसके लिए ऐसा ही व्यू आए, तो आप दिस कंपनी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम दिस कंपनी कर लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड, तो ये बाई डिफॉल्ट यस है। बाकी अगर कोई चेंज करने वाली ऐसी रिपोर्ट होगी तो उसमें ये आपसे ऑप्शन पूछेगा। तो अभी हम देख लेंगे अदर रिपोर्ट में भी कैसे करना है। यहाँ पे हमने इसे सेव कर दिया। एक रिपोर्ट हम आउटस्टैंडिंग की सेव कर लेते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और लेजर ओपन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इन्वॉइसेस आप इनके आ रहे हैं आउटस्टैंडिंग। तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल एल प्रेस करना है हमें और ये इसका नाम सेव कर देते हैं। सेट दिस एज डिफॉल्ट नो करेंगे और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन यस कर लेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो अदर ऑप्शन है वो भी हाईलाइट हो जाते हैं, तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही ये ऑप्शन आपके हाईलाइट और डिसहाईलाइट होंगे। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो सेव व्यू है वो हमें किसके लिए रखना है, ऑल कंपनीज के लिए या फिर दिस कंपनी के लिए। ऑल कंपनीज के लिए चाहते हैं आप, तो इस कंप्यूटर में जितनी भी आपकी कंपनी है उनके लिए भी ये व्यू सेम हो जाएगा। सेव विद द मास्टर सिलेक्टेड टू ओपन द रिपोर्ट, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो मास्टर आपने सिलेक्ट किया है उसके लिए सिलेक्टेड मास्टर्स के लिए सेम व्यू रहेगा। तो जब भी हम ये मास्टर ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक जो डिस्प्ले है आपका वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमने यस कर देना है अगर आप इस रिपोर्ट को सेम चाहते हैं तो। सेव विद द सिलेक्टेड पीरियड, जो भी आपने पीरियड सिलेक्ट किया है यहाँ पे आप देखेंगे 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक सिलेक्ट है, तो अगर आप चाहते हैं सिलेक्टेड पीरियड जो है वो सेव हो जाए तो साथ में ये भी यस कर देंगे अगर आप चाहते हैं तो। इसके बाद हमने सेव कर दिया इस रिपोर्ट को। अब हम क्या करेंगे, एक रिपोर्ट और देख लेते हैं। उसके लिए आपने जाना है डिस्प्ले और डे बुक में हम जाएंगे, यहाँ पे ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे और 1 अप्रैल से सेट कर देते हैं 1 अगस्त तक। यहाँ पे हमने डेट सेट कर दिया। अब जो आपकी रिपोर्ट है वो अप्रैल टू अगस्त तक आ रही है यहाँ पे, और हमने इसको कंट्रोल एल प्रेस करके इसको सेव कर दिया। तो डिफॉल्ट चाहते हैं तो आप डिफॉल्ट सेव हो जाएगी, शो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं तो वो भी आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम ऑल कंपनीज करते हैं तो एक और प्लस ऑप्शन है कि आप चाहें तो अगर आप डाटा को एक्सेस करने के लिए अगर क्लाइंट को देते हैं, मतलब यूजर्स अदर यूजर्स को भी आप अगर अपना डाटा यूज़ करने के लिए देते हैं इस कंपनी का, तो उस समय आपको ऑल कंपनी सिलेक्ट करना होगा। मीन्स अगर आप किसी अदर यूज़र को अपनी जो कंपनी है वो एक्सेस करने के लिए दे रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपको ऑल कंपनी सेट करनी होगी, तभी ये रिपोर्ट वो सामने वाले यूज़र्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दिस कंपनी रखना है। इसके बाद हम इस ऑप्शन को
सेव कर देते हैं और जो रिपोर्ट है हमारी सेव हो जाती है। अब हमें क्या करना है, ये रिपोर्ट देखनी है कि कैसे हम व्यू करेंगे, तो ऑल्ट जी प्रेस करेंगे इसके लिए और यहाँ पे आपकी जितनी भी सेव्ड व्यू है वो आपके यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। तो अभी जो हमने सेव किए थे वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। तो बिल रिसीवेबल है, अगर आपको देखना है डे बुक है, लेजर आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे हमने दिस कंपनी एंटर किया तो जो रिपोर्ट थी वो आपकी ओपन हो जाती है। इसी के साथ हमने क्या करना है, चेंज व्यू करना है, तो कंट्रोल एच प्रेस करेंगे। कंट्रोल एच में आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप इसे वर्टिकल करना चाहते हैं तो एंटर कर देंगे तो ये हॉरिजेंटल हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। तो जिस तरीके से आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो सेव कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने इसी रिपोर्ट का कोई और भी व्यू सेव किया था तो वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, उसको एंटर करके दूसरा व्यू भी आप चेक कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं कि शो ओरिजिनल व्यू, मतलब अभी मैंने क्या किया, वापस से ये जो व्यू ओपन किया और मैं चाहती हूँ कि वो ओरिजिनल व्यू है वही उसके सामने आ जाए, तो आपको कंट्रोल एच प्रेस करना है और शो ओरिजिनल व्यू पे एंटर कर देना है, तो जो आपकी ओरिजिनल बैलेंस शीट है वो ओपन हो जाती है। इसी के साथ कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे डिलीट सेव्ड व्यू, तो आप इस व्यू को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो सेव्ड व्यू है वो आपके रिपोर्ट में से डिसेबल हो जाता है, मतलब डिलीट हो जाता है, वो आपका बाद में डिस्प्ले नहीं होगा। इसी के साथ जब आपने कंट्रोल एल प्रेस किया था तो यहाँ पे अगर आपने सेट दिस एज डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट ये ऑप्शन यस किया था तो आप चाहें तो अब इसे वापस से हटा भी सकते हैं। जब हम ये रिपोर्ट ऑल्ट जी प्रेस करके ओपन करते हैं, यहाँ पे हमने बैलेंस शीट ओपन किया और इसके साथ हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एच, यहाँ पे आप सेट ऑल्टर डिफॉल्ट व्यू जो है उसको आप एंटर प्रेस कर देंगे तो इसमें से जो भी डिफॉल्ट है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि ये जो व्यू है वो आपका डिफॉल्ट है। तो एंटर प्रेस करने पे ये आपका बाई डिफॉल्ट से हट जाता है। अब क्या होगा, बाद में जब भी आप बैलेंस शीट ओपन करेंगे तो जो आपका ओरिजिनल व्यू है वो ही ओपन होगा। यहाँ पे हमने एंटर कर दिया तो डिफॉल्ट हो जाएगा, एंटर कर दिया तो ये ओरिजिनल व्यू में डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से आप कंट्रोल एच के जो ऑप्शन है वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरा रिपोर्ट हम चेक कर लेते हैं, ऑल्ट जी प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमने इसको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट ओपन किया। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट ओपन करने पर आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस कस्टमर के लिए या किस लेजर के लिए आपको वो रिपोर्ट ओपन करनी है, क्योंकि हमने जो लेजर वाला मास्टर्स वाला ऑप्शन था वो हमने यस नहीं किया था। एक बार आपको चेक करा देती हूँ, जैसे हम डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग और लेजर में गए थे तो यहाँ पे जब मैंने ये रिपोर्ट सिलेक्ट की थी, कंट्रोल एल प्रेस करके जब ये ऑप्शन यस किए थे सेव विद द मास्टर सिलेक्टेड टू ओपन द रिपोर्ट, तो इस ऑप्शन को मैंने नो रखा था। अगर आप यस करते तो ये रिपोर्ट ओपन करने पे ऑल्ट जी में जब आप रिपोर्ट ओपन करते हैं जब लेजर आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे वो लेजर डायरेक्टली ओपन हो जाता, लेकिन मैंने नो रखा है तो इसलिए वो मुझसे पूछता है कि आपको किस कस्टमर के लिए रिपोर्ट ओपन करनी है। तो यहाँ पे मैंने कस्टमर सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे जो रिपोर्ट है वो आपके सामने ओपन हो जाती है। इसका बेनिफिट क्या है कि आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग देखने के लिए, सीधे आप ऑल्ट जी प्रेस करेंगे और आपका लेजर आउटस्टैंडिंग ओपन करके आप अपना आउटस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इस सेव्ड व्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप F1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे ट्रबल शूटिंग में जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको एप्लीकेशन और कंपनी डाटा का ऑप्शन मिलता है जिसमें डिलीट व्यू सेव फॉर ऑल कंपनीज और डिलीट व्यू सेव फॉर दिस कंपनी, दोनों ऑप्शन आते हैं। अगर आप इसी कंपनी के जो रिपोर्ट है उनको आप डिलीट करना चाहते हैं जो आपने सेव की है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि सभी कंपनीज के जो सेव्ड व्यू है उनको आपको डिलीट करना है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जब आप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आपने जो सेव्ड किए हैं व्यू उनको आपको सचमुच में डिलीट करना है या नहीं। दो बार आपसे कंफर्मेशन पूछेगा और आपको ये यस करने पर डिलीट कर देगा जो भी आपके सेव्ड व्यू हैं। तो इस तरीके से हम अपने जो रिपोर्ट है अपने अकॉर्डिंग रेडी करके कॉन्फ़िगरेशन करके भी सेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं उन व्यू को, बाद में आप जब चाहें उनको व्यू कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि आप अपने रिपोर्ट को कैसे सेव करेंगे, डिलीट करेंगे और साथ में अल्टर भी कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।